जौनपुर में हुई हत्या की गुत्थी पुलिस के लिए सिरदर्द बनती जा रही है। परिजनों के मुताबिक रात के अंधेरे में मौत की घंटी बजी थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि फोन करने वाला कातिल है। फिलहाल गांव में कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। रात के सन्नाटे में मौत का धुआं, गांव के कोने में जलती चिता, सुबह लापता युवक की तलाश। माँ बाप की टूट गई आखिरी आह, गांव के बाहर मिले शव ने परिवार की खोजबीन खत्म करने के साथ ही उम्मीद भी खत्म कर दी। जौनपुर में नारायण डीह में युवक की हत्या करके शव को करीब 1.5 किलोमीटर दूर बागीचे में जला दिया गया। घटना की जानकारी होते ही गांव में तनाव फैल गया। विनोद यादव नाम के व्यक्ति की आंशिक जली हुई मृत अवस्था में डेड बॉडी की सूचना प्रातःकाल प्राप्त हुई। गांव के ही अनुपम यादव एवं राजकुमार यादव, इन दोनों ने मिलकर विनोद यादव की हत्या कर दी है। उसकी बॉडी को आंशिक रूप से जला दिया है। लिखित तहरीर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करके और इस घटना में संलिप्त दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य शेष विधिक कार्यवाही की जा रही है। परिजनों के मुताबिक रात में किसी का फोन आया था, जिसके बाद विनोद घर से बाहर गया था। परिजनों ने सोचा आ जाएगा और सभी सो गए। सुबह तलाश शुरू हुई तो शव मिला। अमूमन इस तरीके की घटनाओं से अछूते रहे। इस इलाके में हत्या की घटनाएं नहीं के बराबर होती हैं, लेकिन हत्या और फिर गांव में ही शव जलाने की घटना से इलाके के लोग सन्न हैं। गांव में हत्या के बाद तनाव है। कई थानों की पुलिस पोस्ट तैनात कर दी गई है। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। युवक की अभी शादी नहीं हुई थी, वो 5 भाइयों में सबसे छोटा था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।